चित्रकूट के मानिकपुर ब्लॉक में जवाहर नवोदय विद्यालय के सैकड़ों छात्र और छात्राएं विद्यालय से मिलने वाला खराब भोजन मिलने को लेकर विद्यालय में धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि प्रबंधन जो भी भोजन दिया जाता है वह बहुत ही खराब रहता है और ना ही कोई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, ना ही पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है, ना ही खेलकूद की सामग्री दी जाती है जिससे खाली समय में कुछ खेला जा सके। बच्चों की एक एक प्रॉब्लम्स को हमने डिटेल में सुना, प्रिंसिपल साहब से बात कराई, प्रिंसिपल साहब ने एश्योर किया है और हमें टाइम लिमिट भी दी है कि ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा प्रिंसिपल साहब ने ये भी कहा कि ये सब बातें मुझ तक नहीं पहुंची थी, यानी उन तक नहीं पहुंची थी, अदरवाइज़ ये नौबत नहीं आती कि हम आते। और वैसे भी हम तो इस स्कूल के हैं ही, इसलिए इसमें कोई बाहर के और उसकी बात नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों ने कहा, बच्चों ने, कि कुछ खाने में रिपीट रहता है, चावल रहता है, कुछ का कहना टेक्स्ट बुक नहीं मिली है, सिलेबस ख़त्म नहीं है। तो ये बहुत ही इंटरनल टाइप की प्रॉब्लम्स थी, और ऐसा नहीं गर्ल्स ने भी इसके उल्टा बोला है कि नहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी चीज़ें हैं प्रिंसिपल साहब ने एश्योर किया है और हम बराबर टच में हैं, और इसके लिए हमने फिजिक्स टीचर, जो बच्चों के मोस्ट फेवर्ड टीचर थे, उनको इस कार के लिए डिजिग्नेट कर दिया है। उनसे हम जुड़े रहेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और प्रॉब्लम कोई भी नहीं होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।